हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज द गेम्स अरेना। सो आज हम जो है वो वन ऑन वन मैच खेलने जा रहे हैं, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन। और मैं रॉयल रंबल का अरेना जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। सो काफ़ी दिनों से हम जो है वो सिक्स मैन टैग टीम एलिमिनेशन मैच खेल रहे थे, तो मैंने कहा आज यह वन ऑन वन मैच खेलते हैं। और ये जो है वो ब्रॉक लेसनर ने ब्रॉन स्ट्रोमन का मिलिट्री प्रेस जो है वो रिवर्स कर लिया और ये साइड सुप्लेक्स देते हुए। सो यार ब्रॉक लेसनर जो है वो अब डोमिनेट कर रहे हैं और ये फेस पंचेस मारते हुए। आज वैसे मेरा इरादा था पहले कि मैं सिक्स मैन टैग टीम एलिमिनेशन मैच खेलूं, लेकिन मैंने कहा नहीं आज वन ऑन वन मैच खेलता हूं, क्योंकि बार बार एक चीज़ जो है वो अच्छी नहीं लगती ना। सो मैंने कहा आज वन ऑन वन मैच खेलते हैं। तो ये ब्रॉक लेसनर दोबारा जो है वो फेस पंचेस देते हुए। सो ब्रॉक लेसनर ने अच्छा स्टार्ट लिया अगेंस्ट ब्रॉन स्ट्रोमन, द मॉन्स्टर अमंग मैन, द मॉन्स्टर अमंग मॉन्स्टर्स बनके। अच्छा, बैक इन 2018 जो इनकी राइवलरी थी उसमें ब्रॉक लेसनर तो जीते ही गए थे, रियल लाइफ में जो है वो कभी भी ब्रॉन स्ट्रोमन ब्रॉक लेसनर से नहीं जीते हैं। शुरू शुरू में मतलब डोमिनेट करते थे लेकिन हार जाते थे हमेशा, कभी जीते नहीं है वैसे ब्रॉक लेसनर से। और ये ब्रॉन स्ट्रोमन जो है बस वो स्टंट ही होने लगे और बॉडी भी जो है वो येलो हो चुकी है, हेड और जो शोल्डर्स हैं। और ये बेली टू बेली सुप्लेक्स देते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन को। और ये ब्रॉन स्ट्रोमन दोबारा उठ चुके हैं, इसको यार टॉप रोप से नीचे फेंकता हूँ। खैर अभी ये रिंग तो ब्रेक नहीं होगा, उसकी वजह ये है क्योंकि बॉडी रेड नहीं है ना ब्रॉन स्ट्रोमन की। और ये जो है वो ब्रॉन स्ट्रोमन स्टंट हो चुके हैं। खैर मेरे पास अभी कोई फिनिशर वगैरह नहीं आए, लेकिन सिग्नेचर होगा मेरे पास, अभी आ गया होगा। और ये ब्रॉन स्ट्रोमन की बॉडी भी जो है वो जब ऊपर से गिरे तो उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा वो बॉडी भी येलो हो चुकी है। ओके, ये दोबारा जो है वो ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स देने लगे। और ये जो है वो सुप्लेक्स दे दिया और फिनिशर भी आ चुका है भाई ब्रॉक लेसनर के पास। सो ये अच्छा हो गया भाई। और ये ब्रॉन स्ट्रोमन ने कमबैक कर लिया। अब यार जल्दी से जो है वो इसको ज़रा F5 मारता हूँ। और ये रिवर्स करते हुए ब्रॉक लेसनर, और ये जो है वो जर्मन सुप्लेक्स दे दिया। अब यार इसको यार F5 या किमोरा लॉक देता हूँ। और ये जो है वो ब्रॉक लेसनर ओ रिवर्स कर लिया, सुप्लेक्स सिटी देने लगे थे लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन ने जो है वो रिवर्स कर लिया। और ब्रॉन स्ट्रोमन अपने सिग्नेचर के लिए जा रहे हैं और ये सिग्नेचर दे दिया। पता नहीं इस मूव का नाम क्या है, लेकिन ये यार बड़ा मसला हो गया ब्रॉक के लिए। लेकिन ब्रॉक की यार कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बॉडी येलो भी नहीं हुई है इस इम्पैक्ट से। और ब्रॉन स्ट्रोमन कम जो है वो पिनफॉल करने लगे हैं और ये ब्रॉक ने वन पे जो है वो किकआउट कर लिया। ब्रॉन स्ट्रोमन के पास जो है वो फिनिशर आ चुका है। और ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो कमबैक करने की कोशिश में, और ये रिवर्स कर लिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने दोबारा से। और ब्रॉक लेसनर ने भी रिवर्स कर लिया। यार इसको स्टन करता हूँ ना, फिर इसको सुप्लेक्स सिटी देता हूँ। यार ये बड़ा मसला, ये उठ जाएगा ये बार बार। यार ये मुझसे हर बार ऐसे ही होता है। ब्रॉक के पास दो फिनिशर्स आ चुके हैं, बॉडी येलो हो चुकी है, ब्रॉन स्ट्रोमन की बॉडी ऑरेंज है। और ये स्लैप मार दिया फेस पे ब्रॉन स्ट्रोमन को और ये सुप्लेक्स दे दिया। अब ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो स्टंट हो चुके हैं। अब मेरे पास बहुत अच्छा चांस है कि यार मैं सुप्लेक्स सिटी दे दूं या किमोरा। और यार क्या कर रहा है ब्रॉक, कोई इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ रहा। और ये जो है वो किमोरा लॉक लगा दिया है। लेकिन यार ब्रॉन स्ट्रोमन मुझे नहीं लगता कि टैप आउट करेगा, टैप आउट नहीं करेगा, लेकिन नज़दीक है वो जो है वो सबमिशन ब्रेक कर लिया ब्रॉन स्ट्रोमन ने। और ब्रॉन स्ट्रोमन जो है अब कमबैक करने लगे हैं और ये ब्रॉन स्ट्रोमन ने रनिंग पावर स्लैम दे दिया ब्रॉक लेसनर को। और ये जो है वो रोप ब्रेक हो गया, इंटेंशनली हुआ है, मेरा कोई इरादा नहीं था रोप ब्रेक का, लेकिन बस हो गया रोप ब्रेक। और ये जो है वो पिनफॉल करने लगे हैं और ये जो है वो ब्रे जो है वो किकआउट कर लिया ब्रॉक लेसनर ने, ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर जाते हुए। सो ब्रॉक लेसनर की बॉडी भी अब ऑरेंज हो चुकी है, अब हिसाब बराबर है। सो ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो अब डोमिनेट कर रहे हैं ऑन द बीस्ट। सो ब्रॉन स्ट्रोमन जो है वो टॉप पर है। और ये जो है वो ब्रॉक लेसनर ने जो है वो रिवर्स कर लिया और अब चेस्ट पे जो है वो नीज देते हुए। अब काउंट डाउन जो है वो 10 तक ही मैंने रखा हुआ है, 5 तक नहीं रखूँगा क्योंकि फिर तो काउंट
जो है वो फिर मसला बनेगा मेरे लिए। और ये जो है वो चोक स्लैम देने लगे थे मुझे ब्रॉन स्ट्रोमन, और ये स्टंट हो चुके हैं ब्रॉन स्ट्रोमन। इसको रिंग के अंदर लेके जाते हो ना, मेरे पास दो फिनिशर है, तो बस ये मैच ख़त्म करते हैं जल्दी से। और ब्रॉन स्ट्रोमन स्टंट है तो क्यों ना यार इसका फ़ायदा उठाया जाए। और ये जो है अब सुप्लेक्स, अब ये रिवर्स भी नहीं कर पाएगा ना। सो अब जो सुप्लेक्स सिटी स्टार्ट हो चुका है ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, और मेरे पास अब तीसरा फिनिशर भी आ जाएगा। ब्रॉन के पास एक फिनिशर है, एक फिनिशर लगा भी चुके हैं, लेकिन वो रोप ब्रेक हो गया था। और ये अभी फिनिशर दे रहा हूँ इसको, और यार ये एक तो फिनिशर थोड़ा सा यार लैग करता है, फिनिशर में थोड़ा टाइम लैग आ जाता है पता नहीं क्यों। और ये जो है वो ब्रॉक लेज़र कैमरा लॉक देने के लिए, और ये ज़रूर जो है वो टैप आउट करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमर। ब्रॉन स्ट्रोमर ने जो है वो टैप आउट कर लिया है। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।